ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਦੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਟੋਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਵਿਲਚੇਅਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਕੋ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਆ ਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੇ ਯੂ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਯੂ ਜਸਟ ਪਲੇ ਗੇਮ Assalamualaikum guys, और आज बड़ा मजा आने वाला है। It's a lovely day, sunny day, और आज यहाँ पे हो रहा है व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट T20 मैच, जिसको स्पॉन्सर किया है गुजरावाला एंटरप्रेन्योर्स लायंस क्लब, फोरेक्स उस्ताद, रहील व्हीलचेयर वाला, AK एसोसिएट और किंग रियल स्टेट, UK एसोसिएट, पता नहीं क्या क्या नाम है। इतने लोगों ने स्पॉन्सर कर दिया कि मैच को GFPP एंड अलजिबा फ्यूचर हॉस्पिटल भी है जनाब। और ये लोगों का प्यार है कि व्हीलचेयर क्रिकेट का कोई भी मैच होता है तो लोग और कंपनियां आपस में लड़ती हैं कि हम स्पॉन्सर करेंगे, हम स्पॉन्सर करेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का मैच आई थिंक सो बहुत ही एक्साइटेड और कांटेदार होगा और मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह जी। अब मेरे साथ मौजूद हैं जमान साहब, जो कि गुजरावाला क्रिकेट फाउंडेशन के जो हेड भी हैं। आज का जो मुकाबला है, इनकी एफर्ट और मरहूने मिन्नत है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है और इन्होंने आज इसका इजहार भी किया है। तो आज ये गुजरावाला का जो मुकाबला है, इसके पीछे क्या इनकी मोटिवेशन आई और जीते हैं, उसके लिए सबसे पहले मुबारकबाद जनाब आपको बोल जाए। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया रहील भाई। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा फजल है, उसकी बड़ी रहमत है कि और अहलियाने गुजरावाला की बड़ी दुआएं थी हमारे साथ, और खुसूसन आप जैसे जितने भी दोस्त हैं उनका बड़ा तावन था कि जो गुजरावाला ने ये मैच विन किया। आज का मुकाबला वाकई कांटेदार मुकाबला था, और मैं कहता हूँ कि जिसे सही कांटेदार कहते हैं ना, वो आज मुकाबला था। लेकिन अहलियाने गुजरावाला की दुआओं और माशाल्लाह खिलाड़ियों की हिम्मत और जोश की वजह से उन्होंने बता दिया है कि ये गुजरावाला पहलवानों का शहर है, इतनी जल्दी हम चित होने वाले नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या जनाब आपको इनाम मिला है, दिखाएं हमारी ऑडियंस को। जी जी, ये माशाल्लाह 30,000 जो है ना, ये हमें कैश प्राइज, वाह अल्हम्दुलिल्लाह कैश प्राइज मिला। और ये आपकी विनिंग ट्रॉफी है जी। जी ये हमें ट्रॉफी जो है ना, विनिंग ट्रॉफी मिली है, अल्लाह का फजल है। और गुजरावाला में हमारे जितने भी इवेंट हुए हैं इसी जना स्टेडियम में, तो इस तरह की माशाल्लाह हम वो सारी ट्रॉफियाँ हमारे पास है जो जना स्टेडियम में मैच हुए। जीत के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? जीत के बाद बड़ा ज़बरदस्त फील हुआ था, तो अल्लाह का सबसे पहले मैंने शुक्रिया बड़ा शुक्रिया अदा किया, और उसकी बारगाह में अल्लाह पाक के जो हम दोस्ना पड़ी, और उसके बाद फिर जो भंगड़े डाले वो तो जोश हमें देखने को मिला कि ऐसा जोश, ऐसा भंगड़ा और ऐसा जो है वो नॉर्मल जो क्रिकेट टीम होती है उसमें भी ऐसा नहीं होगा जैसा इन्होंने व्हीलचेयर पे बैठ के मैंने खुद भी भंगड़ा डाला और डम डम डम, बड़ा मज़ा आया जी, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच जमान साहब। एंड में कोई मैसेज आया तो प्लीज़ दे दो। जी बहुत शुक्रिया। एंड में मैसेज मेरा यही है कि जितने स्पेशल पर्सन है तो उनके लिए हमने एक पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट फेडरेशन का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो माशाल्लाह इस पर वर्क बहुत देर से हो रहा था लेकिन उसको प्रॉपर जो ना अनाउंस हमने इस इवेंट पे किया है, और ये जो इवेंट है ये इस प्लेटफॉर्म से पहला इवेंट है। तो मैं तमाम स्पेशल पर्सन जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप मजदूरी जो है ना वो अपने जहन से निकालें, जिस्मानी मजदूरी जो है ना वो कोई मजदूरी नहीं, अपनी खूबी ढूँढे, उस पर काम करें और आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, और जितना हो पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी मेरे साथ मौजूद हैं जो सेकंड रन अप आई है, जो टीम स्पेशली फ्रॉम इस्लामाबाद आई है इतना सफ़र तय करके, राजा मसूद साहब हैं। आज का मैच आप नहीं हार सके, इसके बारे में सबसे पहले बताएं कि आप क्यों नहीं जीत सके आज का मैच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम राजा मसूद है और मैं फेडरल क्रिकेट टीम के कप्तान हूँ। सर जी मैच काफ़ी अच्छा हुआ है, कोई नहीं हो रहा, व्हीलचेयर जीती है। वाह 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 वाह, क्या कहने सर, क्या कहने, क्या कहने, मज़ा आ गया इनकी बात सुन के कि कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीता, व्हीलचेयर जीती है जी। और इनका कितना ब्यूटीफुल ख्याल आता है। क्या सूझी आपको इस्लामाबाद से इतनी दूर आप क्रिकेट मैच खेलने के लिए आ गए? सर जी बात यह कि माशाल्लाह हम स्पेशल पर्सन हैं, हम हर चीज़ के साथ चैलेंज के साथ खेलते हैं,
जब नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं हमें भी शौक होता है यार हम भी क्रिकेट खेले, हमें ये शौक यहाँ मैदानों में ले आया। तो आपका बहुत शुक्रिया सर आने का। एंड में हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहे तो प्लीज। जी सर जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ भी स्पेशल पर्सन है उनको घरों से बाहर निकलना चाहिए, स्पोर्ट में तलीम के अंदर जहाँ जहाँ भी है वो तरक्की करे और अपनी डिसबिलिटी को रुकावट ना समझे। यार क्या बात कह दी आपने मसूसा, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं बहुत ही बड़ी अच्छी समाजी शख्सियत जनाब हसन बसरा साहब, जिनका किंग्स रियल एस्टेट से ताल्लुक है। उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या सोच के इधर जो व्हीलचेयर क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प की है और इधर आज ये उनको अप्रिशिएट करने के लिए इतनी धूप में खड़े हुए हैं। जी हसन साहब कैसे हैं आप? असल में रहीम साहब मेरी, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरी मोटिवेशन असल में आप है यार। जब मैं देखता हूँ कि आप, मेरी दोनों टांगे हैं लेकिन आप व्हील चेयर पर हैं और आप इतने एक्टिव हैं कि सुबह आप कहीं होते हैं, कभी आप गिफ्ट होते हैं और आप यहाँ पर भी आपने टाइम दिया है और पूरी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, असल मोटिवेशन मेरी जनाब आप है, हकीकत बात है, सोशल भी इसी वजह से। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये टूर्नामेंट? और शानदार लगा, मैं तो इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल में जितने लोग ये देख रहे हैं, मेरा ख्याल उनको खुद आके इधर देखना चाहिए था कि एक नॉर्मल बंदे का एंथुजियाज्म और एक जो व्हील चेयर पे बंदा है वो कितना एंथुजियास्ट है और उस चीज़ को कितना इंजॉय कर रहा है। अपनी इंजॉयमेंट के साथ हमें लोगों की इंजॉयमेंट और बाकी जो स्पेशल लोग हैं इनकी इंजॉयमेंट देखनी चाहिए, कि मैं यकीन से कह सकता हूँ हमसे ज़्यादा ये लोग इंजॉय कर रहे थे और इनको इंजॉय करता हुआ देख के मैंने बहुत इंजॉय किया है। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। आप इतनी धूप में अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हैं, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? मेरे ख्याल में पैगाम यही है कि सिर्फ अपना नहीं हमें सोचना चाहिए, पूरे एक माशरे का इनफरादी तौर पर नहीं देखना चाहिए, समाजी तौर पर सारे माशरे का देखना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जितने स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं, हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकअल्लाह। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है यूके एसोसिएट के सीईओ और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या चुल चढ़ी है कि आपने व्हीलचेयर क्रिकेट को स्पॉन्सर कर दिया। जी उमर भाई, कैसी फीलिंग है आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रेलवे आपका। इनको स्पॉन्सर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ आने में मदद फ्राहम करना था। हम बेसिकली इन लोगों को एबनॉर्मल कहते हैं, ये एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोग हैं लेकिन स्पेशल पीपल हैं। स्पेशल लोगों को स्पेशल ट्रीट करना चाहिए और हमारा पर्पस भी सिर्फ ये था, क्योंकि इग्नोर शुडा एक कप का, तो हमारी मौजूदगी से अगर ये खुशी महसूस करते हैं और हमारी छोटी सी आवट से अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली रूनमा हो सकती है तो हमें, मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। जी इग्नोर कवो तुसी, जो मर्जी कवो तुसी, बस पैसे टोरो। नहीं नहीं, आपको बेसिकली कोई भी इस सोसाइटी का मकबा फिक्र है, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है और गुजरांवाला इंटप ने लाइन्स क्लब और बाकी जितने हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस मैच में भी स्पॉन्सर का रोल प्ले किया, तो हम ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल। बहुत शुक्रिया उमर भाई। गाइज, इस टाइम मेरे साथ मेरे जो पीछे मौजूद है, मेरे इर्द गिर्द मौजूद है हलाले अमर की पूरी टीम है जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब करने में अपना अहम रोल अदा किया है। सुबह से ही आए हुए हैं, इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई है मार्च में ही, तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था, इनको अप्रिशिएट करना चाह रहा था कि इनको क्या सूझी कि ये स्पेशल पर्सन के मैच ऑर्गेनाइज करने में इन्होंने इतनी हेल्प की। तो रिजवान साहब जो इनको हेड कर रहे हैं, सबसे पहले रिजवान साहब आपको क्या सूझी, आप किधर आ गए पूरी टीम लेके जनाब, व्हीलचेयर वाले किड़े पास लाता तुम? देखें जी, बेसिकली जो हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट फैला हुआ है डिसेबिलिटी, तो मैं तो एक ही बात करता हूँ कि डिसेबिलिटी बेसिकली फिजिकली डिसेबिलिटी कोई नहीं होती, अगर डिसेबिलिटी होती है तो मेंटली होती है। और देखा जाए तो मेरे ख्याल से हर बंदा मेंटली तौर पे कोई ना, हर बंदा ही डिसेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम इन लोगों को ये बताने आए हैं कि आप डिसेबल नहीं, आप स्पेशल नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं और इसी तरह से हम हमेशा आपके साथ तावन करते रहेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है जनाब, हलाले अमर ने जो आज यहाँ पे रोल प्ले किया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड और बड़ा मजा आया। इनके लिए स्पेशली जोर से ताली होनी चाहिए क्लैपिंग। मजा आ गया हलाले अमर की पूरी टीम को यहाँ पे देख के, और इन्होंने जो आज पूरी वॉलंटियरली विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी सिंगल पैनी लालच जो आज इन्होंने खिदमत की है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको अजर देगा। बहुत शुक्रिया गाइज आपका, गुजरांवाला एंटरप्रेन्योर साइंस का, टेक्नो और बाकी जितनी भी कंपनीज ने आपको स्पॉन्सर किया है वो दोबारा भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। यू जस्ट डोंट वरी, यू जस्ट प्ले गेम फॉर पाकिस्तान एंड आई एम योर ब्रदर व्हीलचेयर वाला इज ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू, यू जस्ट डोंट वरी। थैंक यू, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, डेड ग्रेट जॉब। पर मुकाबला वाकई जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि
कांटेदार होगा और मुकाबला वाकई कांटेदार हुआ है और बड़ा मजा आया। आई फील वेरी, मैं अपने आप को बड़ा लो फील कर रहा हूँ इनको देख के कि मैं क्यों नहीं खेलता। तो अब से मैंने भी इरादा कर लिया है कि जो इस्लामाबाद हमारा टूर है वो मैं इंशाल्लाह उसमें एज अ प्लेयर शमूलियत अख्तियार करूँगा, एज अ स्पॉन्सर, एज अ फैसिलिटेटर तो मैं इनके साथ हूँ ही हूँ हर टाइम। और बाकी बड़ा मजा आया मैच देखने का। आई होप यू गाइज इंजॉय एज वेल। प्लीज हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इनको अप्रिशिएट करना है, आपने भी स्नेकी में हिस्सा डालना तो कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने किसी ना किसी दोस्त को, किसी ना किसी स्पेशल पर्सन को टैग करो जो घरों में बैठा है, तो इंशाल्लाह ये भी आपकी नकी रिकॉर्डेड होगी। अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।